नमस्कार, आप सभी का प्रयास स्टूडियो में स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ब्रेकिंग इश्यू, भारत और चीन के बीच बढ़ता तनाव। जी हां, आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो भारत और चीन के बीच में गर्माहट बढ़ती जा रही है, कड़वाहट बढ़ती जा रही है, और ऐसी स्थिति में बहुत सारे प्रश्न हर नागरिक के सामने खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या होगा, क्या भारत और चीन के बीच में युद्ध होगा, क्या चीन भारत का मुकाबला करेगा या भारत चीन को कड़वा जवाब देगा। इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं वो आज हर भारत का नागरिक जानना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम आज भारत और चीन के संबंधों का एक जोरदार पोस्टमार्टम इस रिपोर्ट के माध्यम से आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो वो देश, वो भारत और वो चीन जो कभी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे, उन दोनों के बीच में आज कैसे दुश्मनी पनप गई है और किस प्रकार एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं, इसी इश्यू के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। आगे देखिएगा। जी हाँ, वो चीन जब उसको कहा जाता था एशिया का रोगी, जी हाँ, चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था तब जब चीन कम्युनिस्ट नहीं था और राष्ट्रवादी चीन की स्थिति था। मध्यकाल और प्रारंभिक 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी तक देखें तो चीन की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं थी। अपन सब जानते हैं एशिया का रोगी कहते थे, इसे पूर्व का तरबूज कहा जाता था। जी हाँ, कि इसको कोई भी फोड़ो और कोई भी खाओ, इस प्रकार की स्थिति थी। दो अफीम युद्ध चीन ने लड़े, ब्रिटिश दासता से मुक्ति प्राप्त करी, लेकिन 1949 में जब चीनी क्रांति हुई और माओ त्से-तुंग ने जब कम्युनिस्ट चीन की स्थापना करी, उसी के साथ चीन एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर पूरी दुनिया के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करने की आकांक्षा रखने लग गया। चीन आजकल ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, एक शैतान देश के रूप में इसकी छवि अपने पड़ोसियों के बीच में बनी हुई है। तो देखिए, वो चीन जिसके बारे में नेपोलियन बोनापार्ट ने भी ये कहा था कि ये शैतान है, एक शैतान महान दैत्य है, इसको सोने दो, अगर ये जाग गया तो पूरी दुनिया के लिए नींद हराम करने वाली स्थिति पैदा कर देगा। वैसी स्थिति है, क्योंकि चीन के जो पड़ोसी मुल्क हैं वो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि इस देश ने उनके सब की नाक के अंदर दम कर रखा है। अपन देखते हैं आगे एक एक बिंदु पर, नेक्स्ट देखिएगा। पहले अपन इस स्थिति को, इस पूरे इश्यू को समझने से पहले अपन ये देखते हैं कि चीन का चरित्र किस प्रकार का है, इसके पड़ोसी मुल्क कौन कौन से हैं और किन मुल्कों के साथ में इसका विवाद चल रहा है। देखिए, आपके सामने स्क्रीन में आप देख रहे हो चीन की अवस्थिति। जी हाँ, चाइना की जो लोकेशन आप देख रहे हो लाल रंग में, आपको चीन दिखाई दे रहा है, ये चीन है। इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं, मंगोलिया है, रसिया है, इसके साथ में देखिए जापान है, उत्तरी कोरिया है, ताइवान है, फिलीपींस है, वियतनाम है, लाओस है, यहाँ म्यांमार है, बर्मा जिसको बांग्लादेश है, इसके अलावा देखिए नेपाल है, इंडिया है, इधर पाकिस्तान का कुछ भाग है, इधर अफगानिस्तान का कुछ भाग है, तजाकिस्तान है, इसके अलावा किर्गिस्तान है और कजाकिस्तान है। इस प्रकार से चीन के चारों तरफ अगर स्थल सीमा की बात करें तो चीन की सीमाएँ 14 देशों के साथ में लगती है। जी हाँ, स्थल सीमा जो है वो 14 देशों के साथ में लगती है, लेकिन इन 14 देशों के साथ साथ चीन के अन्य देशों के साथ में, जैसे इंडोनेशिया बहुत दूर है, मलेशिया बहुत दूर है, जापान बहुत दूर है, इनके साथ भी चीन के जबरदस्त तनाव चल रहे हैं। आज क्षेत्रीय विवाद जो है चीन के 23 देशों के साथ चल रहे हैं। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि जिस देश की सीमा 14 राष्ट्रों से चलती है और उसके लगती है, उसके बावजूद वो राष्ट्र 14 से ही नहीं बल्कि इससे डबल है, लगभग 23 देशों के साथ में उसका विवाद है। तो ऐसी स्थिति है, तो आप जान सकते हो कि चीन कितनी क्षेत्रीय आकांक्षा रखता है। इसके आसपास के सभी मुल्क चीन से परेशान है, क्योंकि चीन एक बड़ी जनसंख्या, 137 करोड़ जो आबादी वाला चीन है, वो अपनी जमीन की जो भूख है उसको मिटाने के लिए अपने सभी पड़ोसियों को परेशान कर रहा है। अपन इस बात से समझ सकते हैं कि केवल भारत ही नहीं बल्कि अन्य जो पड़ोसी मुल्क है वो भी चीन से परेशान है, क्योंकि चीन की जो नीति है वो क्रीपिंग की है। क्रीपिंग नीति के अंतर्गत चीन क्या करता है, इसकी क्रीपिंग का मतलब रेंगना होता है, इसकी सेनाएं पड़ोसी मुल्कों की सीमाओं में धीरे धीरे रेंगते रेंगते आगे तक बढ़ जाती हैं और इस प्रकार उनके सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा है वो जमा लेती है। ये जो चीज़ है ये चीन के चरित्र में साफ साफ दिखाई देती है। तो चालबाज चीन है वो पूरी दुनिया के लिए ही सिरदर्द बना हुआ है। कोरोना महामारी के बाद में अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए चीन तरह तरह के अपने, जैसे भूटान है, इन सब राष्ट्रों के साथ में, भारत के साथ में, अनेक देशों के साथ में उसके जो विवाद हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और अपनी जनता का ध्यान इन सीमाओं पर लगाने के लिए चीन इस प्रकार की चालबाजी को अंजाम धीरे धीरे देता जा रहा है। देखिए, अगले आगे बढ़ते हैं अपन।
यहां अपन चर्चा कर रहे हैं 1914 से लेकर अब तक भारत और चीन के संबंधों में किस प्रकार उतार चढ़ाव है, कभी गर्माहट तो कभी नरमी आई है, कभी तलकी रही है तो कभी कड़वाहट पैदा हुई है। ये कड़वाहट जो है वो कैसे कैसे किन किन वर्षों के अंदर देखी गई, कब मित्रता की बातें हुई, कब दोनों के बीच में तकरार बढ़ी, इन सारे बिंदुओं को अपन एक एक करके ले रहे हैं। आगे देखिए, तो चलिए भारत और चीन के संबंधों को अपन समझे, उससे पहले एक बार दोनों देशों की वास्तविक स्थिति है वर्तमान में किस प्रकार की, उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले एक तरफ देखिए भारत, एक तरफ चीन है। आपको दोनों का क्षेत्रफल, दोनों की जनसंख्या, दोनों के अंदर सेना की संख्या, दोनों की जीडीपी, दोनों की जीवन प्रत्याशा और बेरोजगारी की दर, हथियार वगैरह की जो क्षमता है उस पर एक नजर डाल लेनी है। किसी भी राष्ट्र के पास में कितने मानवीय और भौतिक संसाधन है, ये भी युद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण अहम चीज होती है, इसलिए एक बार इस पर नजर डालते हैं। देखिए भारत का क्षेत्रफल देखिए, आप सब जानते हो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जबकि चीन का क्षेत्रफल है वो 95.96 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो सीधी सीधी बात है कि 3 गुना ज्यादा क्षेत्र है वो चीन के पास पहले से है, लेकिन फिर भी चीन की जमीनी भूख है वो शांत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और उसके बाद में आगे देखिए जनसंख्या 132 करोड़ जनसंख्या के साथ में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, वहीं चीन पूरी दुनिया में पहले नंबर पर 137 करोड़ जनसंख्या के साथ में, यानी कि भौतिक संसाधनों के साथ में, क्षेत्र के साथ साथ में यहां पर जनशक्ति भी बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा फर्क नहीं है क्योंकि मात्र 5 करोड़ का डिफरेंस है वो वर्तमान में दोनों देशों के बीच में चल रहा है। इसके बाद में अपन आते हैं बात युद्ध की, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है, सबसे महत्वपूर्ण जो निर्धारक बिंदु है सेना। भारत में इस समय 12 से 14 लाख के बीच में सक्रिय सेना मानी जाती है, जबकि चीन पे स्थिति है वो 23 से 25 लाख के बीच में बताई जाती है। तो अपन अगर ऐसी बात करें तो लगभग सेना भी चीन के पास में भारत की तुलना में 2 गुना है। और इसके बाद में देखिए जीडीपी की अगर बात करते हैं तो जीडीपी में तो आप सब जानते हो चीन एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहां भारत की जीडीपी 2256 अरब डॉलर है, वहीं चीन की जीडीपी है वो 11218 अरब डॉलर, यानी कि लगभग भारत से 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था यहां पर आपको दिखाई दे रही है उत्पादन के दृष्टिकोण से। और इसी के साथ साथ में दोनों देशों की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और जो जलवायु है उसके आधार पर दोनों देशों में जीवन प्रत्याशा भी अलग अलग है। जी हां, औसत आयु जहां भारत में 69 वर्ष है वहीं चीन के अंदर 75 वर्ष है। इसी प्रकार अगर बेरोजगारी की बात करें तो भारत में बेरोजगारों की स्थिति है वो चीन से काफी ठीक है, क्योंकि यहाँ युवा बेरोजगारी 9.8% है, वहीं चीन जो है उसके पास में युवा बेरोजगारी 10.5% है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा। इसके अलावा अपन सब जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान है, मिसाइल्स वगैरह है, या अन्य जो अत्याधुनिक युद्ध से सामरिक महत्व की जो तकनीक है उसमें भी चीन भारत के मुकाबले काफी मजबूत है, लेकिन भारत उतना कमजोर नहीं रहा है जितना 1962 में है। उसकी तुलना में भारत की स्थिति काफी कई गुना सुधार हुआ है। इसलिए वर्तमान युद्धों के अंदर खाली हथियार और सेना की संख्या है वही तय नहीं करती है, कूटनीतिक संबंध, सामरिक स्थितियां, पड़ोसी देशों के साथ में रिलेशन, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ऐसे परिदृश्य हैं जो युद्ध की स्थितियों को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपन महज ये नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति हुई है, छोटा सा वियतनाम जो था आप सब जानते हो वहां के लोगों का राष्ट्रीय चरित्र इतना मजबूत था कि वियतनाम पर लगातार अमेरिका के हमले होते रहे, लेकिन वियतनाम के लोगों ने हार नहीं मानी, अमेरिका को वहां 20-25 साल बाद में वहां से अपने बिस्तर उठाने पड़े, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहां भारत और चीन दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों की जो स्थिति है उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। और इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहां से दोनों देशों के संबंधों की शुरुआत होती है। जी हां, आगे है 1914 का सिमला समझौता। जी हां, मैंने आपको बताया कि 1914 से भारत और चीन है दोनों की सीमा के संदर्भ में जो शुरुआत हुई थी मैकमोहन रेखा, आप सब जानते हो मैकमोहन जो भारत सचिव थे आर्थर हैमर मैकमोहन, जी हां उन्होंने 1914 में चीन तिब्बत और भारत है इन तीनों के प्रतिनिधियों को शिमला में बुलाया था और वहां पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और इसी में भारत सचिव आर्थर हैमर मैकमोहन ने एक लाल पेन लेकर और ये जो तीनों सीमाएं आप देख रहे हो चीन के बीच में और तिब्बत के बीच में और भारत और तिब्बत के बीच में, इन सीमाओं का निर्धारण है वो उस समय मैकमोहन द्वारा किया गया था, इसलिए इस सीमा का नाम पड़ा मैकमोहन रेखा। तो देखिए मैकमोहन रेखा जो है वो पुराने समय से 1914 से भारत और चीन की सीमाओं का निर्धारण करती है। इस पर भारत, तिब्बत और चीन तीनों के प्रतिनिधियों ने
हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन चीन की संसद ने मैकमून रेखा का अनुमोदन नहीं किया, इसलिए इसके ऊपर आगे भी लगातार विवाद बना रहा। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि मैकमून रेखा जो है उसके निर्धारण के साथ में दोनों देशों की सीमाओं के अंदर विवाद की स्थिति है, उसकी शुरुआत हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, चीन में साम्यवादी क्रांति, आप सब जानते हो 1 अक्टूबर 1949 को चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ ज़ेडुंग के नेतृत्व में चीन में बहुत विशाल बड़ी क्रांति हुई, जिसको अपन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं। चीन में माओवादी क्रांति बोल सकते हो, चीन में साम्यवादी क्रांति बोल सकते हो, या कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन बोल सकते हो। 1949 में माओ ज़ेडुंग के नेतृत्व में चीन के दो टुकड़े हो गए, एक में राष्ट्रवादी चीन और एक में हो गया कम्युनिस्ट चीन। इस प्रकार से 1949 में चीन है वो एक कम्युनिस्ट देश के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित हो गया। आप सब जानते हो सबसे पहले चीन को मान्यता देने का काम किया रूस ने, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में 1917 में क्रांति हो चुकी थी, और विचारधारा के आधार पर जो रूस था उसने चीन का समर्थन किया, और इस प्रकार से अपन सब जानते हैं 1949 में ही भारत ने भी चीन को एक नए राष्ट्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता दे दी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन को मान्यता नहीं दी, क्योंकि उस समय अपन सब जानते हैं शीत युद्ध का दौर चल रहा था और कोल्ड वॉर के दौर में कम्युनिस्ट विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा है उन दोनों के बीच में टकराव चल रही थी। अमेरिका ने 1971 तक चीनी कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्ट चीन है उसको मान्यता नहीं दी, और 1971 में राष्ट्रवादी चीन जिसको आजकल फार्मोसा ताइवान के नाम से भी जाना जाता है उसको यूएनओ से बाहर किया गया, और उसके स्थान पर ये जो कम्युनिस्ट लाल क्रांति वाला जो चीन है इसको 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य भी बना लिया गया। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि आधुनिक चीन का संस्थापक है वो माओ ज़ेडुंग को माना जाता है, जिनका मानना था कि सत्ता बंदूक की नली में से निकलती है। आगे देखिएगा, भारत और चीन संबंधों की बात करते हैं। शिमला समझौते के बाद में 1914 का जो शिमला समझौता उसके बाद में एक महत्वपूर्ण इश्यू आता है, वो भारत की आजादी के बाद में आता है, और भारत की आजादी के बाद में 1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई इन दोनों के बीच में 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता होता है। ये पंचशील समझौता विश्व शांति के दृष्टिकोण से और दोनों देशों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। 5 बातों पर सहमति बनाई गई। जी हाँ, पहली बात थी अनाक्रमण, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा था अहस्तक्षेप, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरी बात थी मैत्री और सहयोग की नीति, यानी कि दोनों राष्ट्र है वो मित्रता और सहयोग के साथ में साथ रहेंगे। और चौथी बात थी क्षेत्रीय एकता और अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। और पांचवी बात थी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पर कायम रहेंगे। लेकिन अपन सब जानते हैं 1954 में जहां बीजिंग के अंदर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले ये दोनों देश आज किस प्रकार से एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। पंचशील सिद्धांत है, उनकी अवहेलना किस प्रकार से हुई, तो चीन ने भारत पर आरोप लगाए तो भारत ने कभी चीन पर आरोप लगाए, लेकिन परिस्थितियां अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बदलती गई और पंचशील का सिद्धांत है वो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोता गया। और देखिए फिर किस प्रकार से समीकरण बदले, और 1954 के बाद में जब 1958 का वर्ष आया तो उसमें कुछ परिस्थितियां बदल गई, और 58 और 59 का जो वर्ष था उसमें देखिए क्या घटनाक्रम हुआ, आगे देखते हैं। तो देखिए 1958 और 59 का वर्ष है वो भारत और चीन संबंधों के बीच में एक नई परिस्थितियां पैदा करने वाला था, क्योंकि भारत और चीन के बीच में एक स्वायत्त क्षेत्र था तिब्बत। भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में काम करने वाला जो तिब्बत था उसमें विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह का दमन करने के लिए चीन की कम्युनिस्ट सेना ने यहाँ के बौद्ध भिक्षुकों को जो लामा समुदाय के लोग थे उनको खदेड़ना शुरू कर दिया, और तिब्बत के बहुत बड़े हिस्से पर चीन ने धीरे धीरे अपना दबदबा कायम कर लिया। और इसी दौरान आप सब जानते हो इसी लामा समुदाय के जो प्रमुख नेता थे और यहाँ राजनीतिक नेतृत्वकर्ता भी थे, तिब्बत के दलाई लामा ने भारत में शरण ली। जी हाँ, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर दलाई लामा ने अपनी काउंटर गवर्नमेंट है उसकी स्थापना करी, और तिब्बत की सरकार उन्होंने भारत की जमीन से चलाना शुरू किया, और इस बात को लेकर दोनों राष्ट्रों के बीच में तनाव की स्थिति बन चुकी थी, क्योंकि मैकमोहन रेखा से चीन पहले से संतुष्ट नहीं था। इसके बाद में 48-49 के आसपास भी कुछ अक्साई चीन वाला जो एरिया है उस एरिया के अंदर उसने धीरे धीरे क्या है कि अपना क्रेपिंग का काम है वो जारी रखा, और भारतीय सीमाओं के अंदर उसने काफी हद तक जमीन है उसको दबाया। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा बहाना मिल गया, 1958-59 के अंदर ये तिब्बत का विद्रोह हुआ, भारत ने इस
विद्रोह के अंदर तिब्बत का जब सपोर्ट किया तो ऐसी स्थिति में लाजमी है कि चीन नाराज होगा। तो चीन ने अपनी नाराजगी जताई और भारत को इस प्रकार की धमकी दी कि अगर वो दलाई लामा को शरण देता है तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। और चीन की धमकी है वो कुछ समय बाद में क्रियान्वित भी हुई और अपने देखा कि 1962 का जो युद्ध हुआ उस युद्ध के अंदर दोनों देश एकदम से आमने सामने हुए और इसके अंदर दोनों देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। चूंकि इस स्थिति में उस समय चीन का पलटा काफी भारी रहा, लेकिन भारत ने इस चाल बाद चीन की जो कायरना हरकत हुई उससे सबक ले लिया। लेकिन आज की स्थितियां है वो उस वर्ष यानी 1962 के वर्ष से काफी अलग है। तो आगे देखिए 1962 का वर्ष आया और भारत और चीन के बीच में युद्ध लड़ा गया। आप सब जानते हैं ये युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को, जी हाँ, आप देख रहे थे सीमा विवाद दोनों देशों के बीच में चलता जा रहा था। इसी बीच दलाई लामा को शरण देने के नाम पर आप सब जानते हो चीन तिलमिला उठा और ऐसी स्थिति में उसको बहाना चाहिए था, बहाना मिल गया और 20 अक्टूबर 1962 को दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। और इस प्रकार से 20 अक्टूबर को भारत के विशेष रूप से मुख्य रूप से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का जो नेफा एरिया है, नॉर्थ फ्रंटियर एरिया है, इन दोनों के अंदर चीन ने हवाई हमला कर दिया। और इस हमले के अंदर भारत की एक बड़ी भूमि लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है उसको चीन ने दबा लिया, जिसको आजकल अपन अक्साई चीन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, 1962 की जो लड़ाई है वो 20 अक्टूबर 1962 को हुई और हमला करने के बाद में 24 अक्टूबर को चीन ने कुछ जमीन दबाकर अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। लेकिन भारत ने इस युद्ध विराम को स्वीकार नहीं किया और 27 अक्टूबर 1962 को नेहरू जी ने इस युद्ध विराम को खारिज कर दिया। तो इसके पश्चात 21 नवंबर 1962 को फिर एक बार दोनों देश आमने सामने हुए और इस प्रकार से भारत और चीन के युद्ध में दोनों देशों को काफी जान माल की हानि हुई। लेकिन अपन सब जानते हैं कि इस युद्ध में चीन का पलटा काफी भारी रहा और भारत को क्षेत्रीय और सैनिक नुकसान है वो ज्यादा उठाना पड़ा। तो इस प्रकार से 62 की जो लड़ाई थी जिसके अंदर पहले चाओ एन लाई और नेहरू जी के बीच में एकदम शांति वार्ताएं चल रही थी, एक तरफ शांति की बात करते करते ही चीन ने धोखेबाजी से, यानी वही चीन जिसने बीजिंग से हिंद चीनी भाई भाई का नारा दिया था, उसी चीन ने भारत के ऊपर अटैक करके और भारत को बड़ा आघात पहुंचाया। जी हां, 1962 की जो लड़ाई थी इसी समय भारत में आप सब जानते हो 26 अक्टूबर 1962 को नेहरू जी ने देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी। और ये आपातकाल आप सब जानते हो कि 62 से लेकर और 1968 तक लगातार चलता रहा और उसके पश्चात जो हुआ वो आपके सामने है। देखिएगा, आप यहां पर देख रहे हो ये सियाचिन ग्लेशियर जो है और जम्मू कश्मीर का एरिया है, इसे अक्साई चीन का एरिया भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो वेस्टर्न सेक्टर 1570 किलोमीटर लंबी जो ये एरिया है, ये जो लाल रंग में दिखाई दे रहा है, यहाँ लाल रंग में दे रहा है, यहाँ भी लाल रंग में, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो नॉर्थ फ्रंटियर एरिया है जिसको अपन नेफा बोलते हैं, इस दोनों क्षेत्रों के अंदर इस युद्ध के बाद चीन ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और यहाँ पर एक नई रेखा का निर्धारण कर दिया जिसको अपन मैकमोहन रेखा नहीं कहते, क्या कहते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जी हाँ, वर्तमान में चीन और भारत के बीच में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसको LAC के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चीन ने मैकमोहन को स्वीकार नहीं किया। आगे देखिएगा, विदेश यात्राएं, देखिए दोनों देशों के बीच में युद्ध के बाद में भी फिर वापस संबंधों की स्थापना 1962 में भारत और चीन के राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया गया। दोनों देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए और राजदूतों को वापस बुला लिया। लेकिन युद्ध के बाद में स्थितियों में धीरे धीरे परिवर्तन आया और इंदिरा गांधी के समय 1976 में बीजिंग में और दिल्ली में वापस दूतावासों को शुरू किया गया और इस प्रकार दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनकी वापस शुरुआत की गई। और इसके पश्चात 1988 में आप सब जानते हो राजीव गांधी हैं, उन्होंने चीन की यात्रा करी। राजीव गांधी 1962 के युद्ध के बाद चीन की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी की यात्रा के बाद में संबंधों में थोड़ी सी नरमाहट आई और उसके बाद 1993 में पीवी नरसिंह राव है वो भी चीन की यात्रा करते हैं। इस समय भी भारत और चीन के बीच में कुछ समझौते वगैरह संपन्न होते हैं और इसी दौर में पहली बार चीन का कोई राष्ट्रपति है वो भारत की यात्रा पर आता है। जी हाँ, 1996 में चीनी राष्ट्रपति झियांग जेमिंग है वो भारत की यात्रा पर आते हैं और इस प्रकार से दोनों देशों में यात्राओं का दौर शुरू होता है। लेकिन ये संबंध है कभी ऊपर तो कभी नीचे, इस प्रकार से आगे चलते रहे।
तो चलिए इसी बीच कुछ और समझौते संपन्न हुए। आगे देखिएगा, देखिए 1996 में एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ दोनों देशों के बॉर्डर को लेकर, सीज फायर का समझौता। हाँ जी, सीज फायर एरिया जो है उसको निर्धारित करने के लिए 1996 में जब जियांग ज़ेमिंग भारत की यात्रा पर आए तो उस समय दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंदर ही अनुच्छेद 6 है, उसमें यह तय हुआ कि दोनों देश जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके 2 किलोमीटर एरिया तक बंदूक, रासायनिक हथियार या बारूद, इस प्रकार के किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो वर्तमान में चीन और भारत के सैनिक एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं, उसकी वजह यह सीज फायर समझौता है जो 1996 में संपन्न हुआ था। यहाँ हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते एक दूसरे के खिलाफ। 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भी चीन की यात्रा करी और आप सब जानते हो भारत और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित नाथुला दर्रा है उसको खोला गया, जिसके माध्यम से दोनों देशों के बीच में बहुत सारे व्यापारिक आदान प्रदान होते हैं। और इसी बीच 2006 में चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ, जी हाँ 2006 में चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ ने भारत की यात्रा करी। ये चीन साम्यवादी चीन के दूसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत की यात्रा करी। इससे पहले आपने देखा कि जियांग ज़ेमिंग है वो भी भारत की यात्रा कर चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेबल वीजा विवाद। जी हाँ, भारत और चीन के बीच में 2009 में एक नया विवाद खड़ा हो गया, इसका नाम है स्टेबल वीजा विवाद। जी हाँ, स्टेबल वीजा या हिंदी में अपन कहेंगे नत्थी वीजा। ये नत्थी वीजा क्या था तो मैं आपको बता दूं कि चीन की सरकार के द्वारा कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के किसी भी निवासी को अलग से एक वीजा, यानी भारत के नाम से नहीं बल्कि उसको कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के नाम से अलग से वीजा जारी करना शुरू कर दिया। यानी ये वीजा इसलिए जारी किया गया कि चीन ये दिखाना चाहता था कि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को चीन भारत का अंग नहीं मानता है, इसलिए भारत के नाम पर अगर कोई वीजा मांगता है तो यहां के निवासियों को अलग से एक वीजा और जारी किया जाएगा जिसमें उन्हें कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश यानी विवादित क्षेत्र का नागरिक बताया जाएगा। तो भारत ने इसका विरोध किया था, कुछ समय बाद में ये मामला शांत हो गया और चीन ने इस प्रकार के वीजा है उसको बंद कर दिया था। लेकिन कई बार बीच बीच में चीन है वो छेड़खानियां करता रहता है, तरह तरह के प्रोपेगेंडा है वो भारत के खिलाफ रचता रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक बहुत बड़ी पॉलिसी है स्ट्रिंग्स ऑफ द पर्ल्स। जी हाँ, मोतियों की मालांती। चीन एक ऐसा देश है जो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए उसने अपने आसपास के सभी क्षेत्रों के अंदर बहुत सारे ऐसे सैनिक अड्डे, नौसैनिक अड्डे और ऐसे ठिकाने स्थापित कर रहा है जिससे वो भारत को चारों तरफ से घेर सके। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर भारत के जहां पर सैनिक अड्डे, बंदरगाह वगैरह है वो आप भारत के मानचित्र के रूप में ये देख रहे हो यहाँ पर है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ जो लाल रंग में आप देख रहे हो ये सारे के सारे हैं, ये यहाँ ग्वादर बंदरगाह। देखिए पाकिस्तान भारत को घेरने के लिए चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर में अपना एक बंदरगाह स्थापित किया। इसके बाद में आप आइए मालदीव पे, मालदीव के पास मैंने मालदीव में यहाँ पर जमीन खरीद कर एक सैनिक अड्डा स्थापित करने की चीन है वो चेष्टा कर रहा है, लेकिन भारत ने भी यहाँ पर अपना एक अड्डा है मालदीव के अंदर बना रखा है। उसके बाद में देखिए यहाँ श्रीलंका में भी, देखिए श्रीलंका के अंदर चीन ने अपना एक सैनिक अड्डा स्थापित किया है जिसका नाम है थम्बनटोटा। हाँ जी, थम्बनटोटा नाम से सैनिक अड्डा है वो स्थापित किया है। और इसी प्रकार बर्मा के अंदर चटगांव है उसमें भी उसने, सॉरी बांग्लादेश के अंदर चटगांव है उसमें भी उसने सैनिक अड्डा स्थापित किया है। इसी प्रकार म्यांमार के अंदर भी उसने एक सैनिक अड्डा है वो स्थापित कर लिया है कोको द्वीप के अंदर। तो इस प्रकार से जो चीन है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए एक मोतियों की माला बना रहा है जिसको अपन स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल्स या मोतियों की माला नीति कहते हैं। इसके खिलाफ भारत ने भी मुहिम शुरू कर दी है और इसी मुहिम के तहत जहां जहां चीन सैनिक अड्डे स्थापित कर रहा है उसके नजदीक भारत भी अपने विभिन्न प्रकार के अड्डों की स्थापना करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहां ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के अंदर जो चीन ने अपना अड्डा स्थापित किया, बंदरगाह डेवलप किया, उसके पास में ही ईरान जो पड़ोसी देश है यहाँ पर पाकिस्तान का, यहाँ पर भारत ने भी चाबहार बंदरगाह है उसको विकसित कर लिया है जहां से ग्वादर बंदरगाह की दूरी 50 से 60 किलोमीटर से भी कम है। इस प्रकार जहां जहां चीन भारत के खिलाफ मोतियों की माला को अंजाम दे रहा है उसी के समानांतर भारत भी कोशिश कर रहा है कि इस प्रकार के अड्डे स्थापित करके वो चीन को इसका करारा जवाब दे। आगे देखिएगा, अब अपन बात कर रहे हैं, देखिए चीन के द्वारा एक बहुत बड़ी पॉलिसी शुरू की जा रही है, बहुत बड़ी पूरी दुनिया को अपनी जद में लेने के लिए एक 2015 के अंदर चीन एक नई पॉलिसी लेकर आया जिसका नाम है OBOR। जी हाँ, OBOR है
वो वन बेल्ट वन रोड के नाम से जाना जाता है। इसको पूरा नाम बोलेंगे वन बेल्ट वन रोड। जी हाँ, देखिए चीन अपना प्रभाव जमाने के लिए, आप जो काले रंग में देख रहे हो ये चीन का है पूरा का पूरा, और चीन इस प्रकार से देखिए इधर रशिया से होते हुए और इधर तेहरान ईरान से होते हुए मध्य एशिया में आके और यूरोप तक, देखिए तुर्की है यहाँ पर, यहाँ तक अपनी पहुंच बनाकर मास्को रूस तक, रूस से इसके बाद में देखिए वो पोलैंड होते हुए यूरोप के ऊपरी भाग से जाकर और अमेरिका तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसके बाद में देखिए वेनिस से होते हुए ये वन बेल्ट वन रोड नीति है उसको भूमध्य सागर के पास से होते हुए, और ये देखिए आप इधर से देख पा रहे हो ये जो एरिया है यूरोप का एरिया है, इससे आगे बढ़ते बढ़ते और यहाँ लाल सागर के माध्यम से होते हुए, भूमध्य सागर और लाल सागर है स्वेज नहर के माध्यम से होते हुए इन मार्ग के नाम अपना अड्डा स्थापित करना चाह रहा है, और उसके बाद में देखिए ये जो हिंद महासागर का एरिया है, हिंद महासागर का एरिया है इससे होते हुए और भारत के देखिए इधर कलकत्ता ये जो म्यांमार है कोको द्वीप है वहां तक, और कोको द्वीप से फिर देखिए इधर आगे घूमते हुए श्रीलंका से होते हुए और श्रीलंका के बाद में कुआलालंपुर मलेशिया वगैरह इनसे होते हुए और इधर चाइना है वो अपना वर्चस्व बढ़ाकर। तो देखिए आप देख रहे हो दो रंग के अंदर दिखाई दे रही है, लाल रंग वाली जो है वो तो पहले से उसकी पहुंच में है, और ये जो काले रंग वाली जो आप सड़क देख रहे हो इस प्रकार की जो सड़क या मार्ग है जिसमें उसने पाइपलाइन है, इसके अलावा उसने रेल लाइन है, इसके अलावा सड़क है, इन सब का निर्माण कर रहा है, और मंगोलिया तक देखिए आप इधर आप पहले से देख रहे हो। तो ये जो नीति है चीन की, इसका ये किया कि चीनी उत्पादों को दुनिया के सभी देशों तक पहुंचाने के लिए चीन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया है जिसमें अरबों खरबों डॉलर है उनका निवेश करके और पूरे महाद्वीपों तक, लगभग दुनिया के सभी तीन चार महाद्वीपों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश है वो चीन कर रहा है। तो इस प्रकार से पूरे दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये जो वन बेल्ट वन रोड नीति है ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी पड़ोसी देशों के साथ में चीन के खिलाफ। जी हाँ, अगली बात देखिए। इसी बीच देखिए एक और चीज आपको भी बता देता हूँ, पाकिस्तान और चीन के बीच में जो नजदीकियां हैं उसका एक उदाहरण आपके सामने है। देखिए आप देख पा रहे हो पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल 2012 से लेकर 2019 के बीच में एक सुरंग बनी है, ये चित्र आप देख रहे हो फ्रेंडशिप टनल के नाम से पाकिस्तान में खुल रही है, एक टनल बनाई गई है, ये टनल काफी लंबी है लगभग 60 किलोमीटर तो इसमें सुरंगे हैं, और ये जो लंबा एरिया है ये क्या करता है आप सब देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जो चाइना है अक्साई चीन का जो भाग है चीन से लेकर और इधर देखिए कोरोकोरम राजमार्ग हाईवे से होते हुए पाक अधिकृत कश्मीर का जो एरिया है उससे पाकिस्तान होते हुए और ये देखिए इस्लामाबाद होते हुए आगे आगे डेरा इस्माइल खान से होते हुए और ये पूरा जो पाकिस्तान उसको बीचों बीच से चीरते हुए और कराची के नजदीक से गुजर कर यहाँ पर ये देखिए ये ग्वादर बंदरगाह है, यही बंदरगाह विकसित किया है जिसके थोड़ी ही दूरी पर ईरान के अंदर भारत ने भी चाबहार बंदरगाह को विकसित कर लिया है। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हो ये सारा का सारा है, इसमें टनल खोदी गई है और यहाँ जो जम्मू कश्मीर ये जो पाक अधिकृत कश्मीर का जो एरिया है जो विवादित है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की सुरंगें बनाकर और इस प्रकार से बहुत लंबा रास्ता है उसको बहुत शॉर्ट कर दिया है, अब चीन से कोई भी सामान है वो पाकिस्तान के इस अड्डे तक आसानी तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसका नाम रखा गया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जी हाँ, जिसको पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आगे बढ़िएगा और आगे और देखते हैं डोकलाम विवाद 2017। जी हाँ, 2017 में भारत चीन और भूटान इन तीनों के बीच में एक जगह है, भारत चीन और भूटान का जो तिराह है ये आप देख पा रहे हो, यहाँ भूटान है, ये इधर नीचे इंडिया है इसका पश्चिम बंगाल का एरिया, इधर सिक्किम है और ऊपर चीन का जो क्षेत्र है, पहले तिब्बत का क्षेत्र होता था, डोकलाम है कभी कोई जमाने में तिब्बत का क्षेत्र होता था लेकिन ये वर्तमान में भूटान के एरिया में आता है। चीन का ये दावा है कि डोकलाम उसका क्षेत्र है जबकि भूटान ये कहता है कि ये चारागाह क्षेत्र था और इस चारागाह क्षेत्र से में शुरू से ही भूटान के जो चरावा थे वो भेड़ चराने के लिए पशु चराने के लिए जाते थे, इसलिए ये डोकलाम का क्षेत्र है उसका स्वयं का पूरा क्षेत्र है और तिब्बत की अनुमति से ही वो यहाँ पर इस प्रकार से पशु चरण का काम करता था। तिब्बत को समाप्त होने के बाद में तिब्बत पर अधिग्रहण होने के बाद में ये क्षेत्र भूटान का अंग बन गया था लेकिन चीन इसके ऊपर अपना दावा कर रहा है और वो कह रहा है कि ये हमारा क्षेत्र है और इस पर हाईवे निर्माण करने की उसने जब 2017 में कोशिश की तो आप सब जानते हो 1949 की संधि के अनुसार भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत पर है, दोनों के बीच में इस प्रकार का समझौता है, भारत ने भूटान पर अपनी सेना तैनात करी यहाँ पर डोकलाम में और उसके बाद में 70 दिन तक विवाद चला और इस विवाद के बाद में चीनियों को यहाँ से अपना सामान उठाना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। तो इस प्रकार से डोकलाम विवाद 2017 में हुआ था लेकिन अभी खबरें आ रही है कि
अभी गलवान घाटी के बाद में फिर डोगलाम क्षेत्र के अंदर चीन ने अपनी जो गतिविधियां काफी तेज कर दी है और इस एरिया में भी अपने जो सैनिक है उनको धीरे धीरे वो तैनात करता जा रहा है। तो इस प्रकार से चीन है वो एक जगह से नहीं अलग अलग जगह पर भारत भूटान इनको दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भूटान भारत और चीन के बीच में एक छोटा बफर स्टेट है, ये अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भारत के ऊपर निर्भर है। इसलिए भूटान पर अगर कुछ प्रभुत्व जमता है चीन का तो सीधी सीधी बात है भारत के सातों राज्यों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। जी हाँ, आप सब जानते हो ये जो तिराया है भूटान चीन और भारत, ये तिराया अगर यहाँ पर वर्चस्व स्थापित होता है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो ये चिकन नेक है, वो मुर्गे की गर्दन है जिसको अगर काट दिया जाए तो भारत के सातों स्टेट यानी सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया भारत से अलग किए जा सकते हैं। तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि इसकी इतने नजदीक आकर चीन है वो अपना वर्चस्व कायम करे और भारत की सुरक्षा एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा हो। जी हाँ, डोकलाम के बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं उस स्थिति पर जो आजकल बनी हुई है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपन दोनों देशों की सीमाओं को समझ लेते हैं। तो यहाँ भारत का मानचित्र देख रहे हो, यहाँ पर ये नेपाल का एरिया है, ये भूटान है और ये आप यहाँ पर दोनों के बीच में सिक्किम का एरिया देख रहे हो। जी हाँ, ये भूटान सिक्किम और इसके बीच में ही आपको मिलता नीचे पश्चिम बंगाल है, इधर भूटान है, इधर चीन का एरिया है, यहाँ डोकलाम वाला एरिया है। तो देखिए ये जो आप देख पा रहे हो मैकमोहन रेखा, लाल रंग में जो आप देख पा रहे हो ये मैकमोहन रेखा है जो यहाँ लद्दाख से होते हुए आगे से देखिए इस प्रकार से ये लाल रंग की जो आप देख रहे हो ये मैकमोहन रेखा, पूरी पूरी मैकमोहन रेखा है यहाँ पर चिन्हित कर रखा है। और इसके बीच में आप जो देख रहे हो यानी कि 1962 का हमला होने के बाद में चीन ने भारत की जो जमीन दबाई थी उसको देखिए यहाँ डॉट डॉट करके दिखा रखा है, लाल लाइन के बराबर में डॉट डॉट एरिया आप जो देख रहे हो इसके अंदर कुछ क्षेत्र है उस पर वर्तमान में चीन का कब्जा स्थापित हो चुका है। और उसके बाद में आप यहाँ भी देखिए कुछ एरिया है वो यहाँ पर, यहाँ भी अपन देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ बड़ा एरिया जो इसके आसपास का था उस पर भी चीन ने अपना प्रभुत्व कायम किया है। और इस प्रकार से दोनों देशों के बीच में पहले मैकमोहन रेखा थी और आजकल जो रेखा है उसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC के नाम से जाना जाता है। चीन ने 1993 में आधिकारिक तौर पर LAC को बॉर्डर मानने के लिए राजी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी LAC के नजदीक उसकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और उसमें भी वो अंदर आकर इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हुई है। तो वर्तमान में भारत और चीन के बीच में जो गलवान घाटी टकराव का मुख्य केंद्र बन रही है उसी गलवान घाटी को अपन समझते हैं, इसकी स्थिति को थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उससे वो कितनी दूरी पर है। देखिए गलवान घाटी के पास दोनों देशों की सड़क और पोस्ट के बारे में आपको मैं बता देता हूं। पहले देखिए आप देख पा रहे हो गलवान फ्लैश पॉइंट 14 यहां पर दे रखा है, ये वो फ्लैश पॉइंट है जहां पर 15 और 16 जून की रात्रि को दोनों देशों के बीच में आपस में धक्का मुक्की और झड़प हुई जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए और ऐसा माना जा रहा है कि चीन के भी 53 जवान वहां पर शहीद हुए। तो इस प्रकार से दोनों देशों के बीच में जो तकरार हुई बिना हथियारों के यानी कि बिना बंदूक के, बिना हथियारों के और केवल पत्थरों से डंडों से इस प्रकार की जो ये घमासान हुआ इसके अंदर चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाकर और चीन के 53 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि भारत के भी 20 जवान शहीद हुए। लेकिन ये स्थिति कैसे बनी और कहां पर गलवान घाटी है, तो देखिए गलवान घाटी जो है उसका एरिया है उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। ये जो आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, ये जो देख रहे हो आप, ये काले रंग की जो आपको दिखाई दे रही है ये भारत द्वारा बनाई गई सड़क है। जी हाँ, 230 किलोमीटर से भी लंबी ये जो सड़क है ये चीन के लिए सरदर्द बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, क्योंकि आप समानांतर देख रहे हो ये लाल रंग की जो आप रेखा देख रहे हो, देखिए ये लाल रंग की रेखा जो इधर से आ रही है इसी का नाम है LAC। जी हाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसको भारत और चीन के बीच में सीमा मान रहे हैं, चीन जो सीमा मानता है इसको, तो इस वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है इसके समानांतर यहाँ पर कुछ दूरी पर ये देखिए आप दोनों देख रहे हो आगे की तरफ चल रही हैं, यानी कि भारत पूरे बॉर्डर पर LAC की निगरानी है वो इस सड़क के माध्यम से कर सकता है, अपने सामरिक संसाधनों को पहुँचा सकता है। और यही सबसे बड़ी चुभने वाली बात है शैतान चीन के लिए। देखिए इधर चीन की स्थिति बताते हैं आपको, तो यहाँ आप देख रहे हो चीन ने जो सड़क बनाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये देखिए चाइनीज पोस्ट नंबर 2, पोस्ट 1 और इसके बाद में यहाँ पर आके सड़क समाप्त हो जाती है। ये चाइनीज रोड है वो केवल इस पॉइंट पर आकर समाप्त हो जाती है, इसके बाद में जो डॉट डॉट दिखा रखा है यहाँ तक
भारत के बॉर्डर तक, ये एलएसी तक, ये सारा का सारा वो एरिया है जहां पर आप सब जानते हो कि सड़क बनी हुई नहीं है, दुर्गम क्षेत्र है। इसके पास पास में ये जो गलवान नदी है वो है, वो सड़क के समानांतर चल रही है, देखिए। और इसी प्रकार से यहां आप देख रहे हो, ये जो भारत ने सड़क बनाई है ये श्योक रिवर के समानांतर चलती हुई, श्योक नदी के समानांतर चलती हुई और आगे तक जाती है, और दौलत बेग ओल्डी है यहां तक ये जो सड़क बनाई है, जिससे अपन पूरी एलएसी की निगरानी है वो कर सकते हैं। तो ये जो स्थिति है, अब दिक्कत यहाँ देखिए, यहाँ पर ही अपन ने यहाँ क्या है कि गलवान एरिया, इसके जस्ट पास में इंडियन आर्मी है, आईटीबीपी का बेस कैंप भी बना हुआ है। और इसके बाद में देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पर, जहाँ 15 और 16 जून की रात्रि को दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई और उसमें दोनों देशों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, ये वो एरिया है। तो इस एरिया को और बहुत अच्छे ढंग से अपन और नज़दीक से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखिए, गलवान घाटी का जो विवाद है उसको आप एकदम सीधे सीधे समझ सकते हैं। ये देखिएगा, ये आप देख पा रहे हो, मैंने आपको जो रोड बताई है श्योक नदी से लेकर, और ये देखिए दौलत बेग ओल्डी, ये श्योक नदी आप देख रहे हो ऊपर से नीचे तक सड़क के समानांतर चल रही है। ये सड़क है जिस पर चीन को आपत्ति है, इस सड़क को बंद करवाना चाह रहा था, लेकिन भारत ने सड़क को अच्छी तरह से निर्मित कर लिया है जो चीन के आंख की किरकिरी बन रहा है, जी हाँ। और यहाँ से देखिए, इसी नदी के अंदर से यहाँ से श्योक गलवान नदी, यहाँ से देखिए गलवान नदी निकलती है, और ये गलवान नदी है वो चीन के लाइन ऑफ कंट्रोल में एंट्री करके और आगे चली जाती है। तो आप देख रहे हो, ये इधर तो सड़क और श्योक नदी है, और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब झड़प कहाँ हुई, तो आप सब जानते हो, तो 4 नंबर और 5 नंबर पोस्ट थी, उस पोस्ट के पास में जहाँ पर दोनों देश हैं वो पेट्रोलिंग करने का अधिकार रखते हैं 1 से लेकर 8 के बीच में। तो यहाँ 4 नंबर के आसपास में चीनियों ने क्या है कि पहले जमावड़ा कर रखा था, भारत ने उनसे समझौते के अनुसार ये कहा कि आप वहाँ से अपने टेंट वगैरह हटा लीजिए। जब भारतीय टुकड़ी वहाँ पर इसकी निगरानी करने के लिए पहुँची तो चीनी सैनिकों ने उनके ऊपर लाठियों से और तारों से, विभिन्न प्रकार के छोटे हथियारों से उन पर हमला कर दिया, चूँकि बंदूक गोली नहीं चली दोनों देशों के बीच में, और इसके अंदर भारत के 20 जवान शहीद हुए। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर ये जो विवाद हुआ उसमें चीन ने अपने मरे हुए सैनिकों की संख्या नहीं बताई है, लेकिन बहुत सारे मीडिया और विदेशी मीडिया ये बात बता रहा है कि चीन को बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर कम से कम चीन के 53 जवान हैं वो मारे गए हैं, और इन 53 जवानों में 23 जवान हैं उनकी जो मौत हुई है पोस्टमार्टम के अनुसार। ये रिपोर्ट शिनजियांग हॉस्पिटल से, जहाँ से 53 पोस्टमार्टम हुए हैं उनमें 23 जनों की दम घुटने के कारण हुई है। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय सैनिकों ने 23 चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़ के और तोड़ डाली, और इस प्रकार से यहाँ पर खासा नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए चीन है वो काफ़ी तिलमिला रहा है और भारत को धमकियाँ दे रहा है तरह तरह की, और वहाँ का जो ग्लोबल टाइम है या चाइनीज डेली न्यूज़ है वो सारे के सारे अखबार, आप सब जानते हो वहाँ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, एक दलीय तानाशाही है। इस तानाशाह देश में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अपन सब जानते हैं 1989 के अंदर तियानमेन स्क्वायर में जब चीनी छात्रों ने भारतीय छात्रों की भांति अधिकारों की मांग करी तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके ऊपर गोलियां चलवा दी थी, हजारों की संख्या में स्टूडेंट मारे गए थे। ये वही चीन है जहाँ पर किसी को खुलकर बोलने का अधिकार, यहाँ तो अपन सेना से सबूत मांगते हैं लेकिन वहाँ पर आपको सूचना तक नहीं दी जाती है। आप बहुत भाग्यशाली हो कि भारत में पैदा हुए हो, आपको सारे अधिकार हैं, आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा रहा है। इस संकट की घड़ी में हम सब भारतीयों को साथ देना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए, ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये झड़प यहाँ पर हुई है। और अब मैं आपको एक दूसरा विवाद का जो बड़ा कारण है, आजकल खबरें आ रही हैं कि पेंगोंग झील के आसपास भी चीन अपना जमावाड़ा बढ़ा रहा है। जी हाँ, पेंगोंग झील बहुत बड़ी झील है जिसका क्षेत्रफल काफ़ी लंबा है। और गलवान घाटी के विवाद के बाद में नई चीज़ और सामने आ रही है, भारत और चीन के बीच में अभी पेंगोंग झील के ऊपर भी विवाद की स्थिति बन गई है। जी हाँ, हम थोड़ा सा पेंगोंग झील है उसके बारे में देखते हैं कि ये पेंगोंग झील कहाँ स्थित है। देखिएगा आगे, दो चित्रों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पेंगोंग झील पूरा नाम है पेंगोंग तसो झील, जी हाँ, लद्दाख एरिया में। आप देख रहे हो भारत का जो है ऊपरी मानचित्र है जम्मू कश्मीर के आसपास का, ये अक्साई चीन का एरिया है। और यहाँ पर देखिए, अक्साई चीन का जो एरिया है इस पर नीली आकृति आपको दिख रही है, ये पेंगोंग झील है। ये पेंगोंग झील यहाँ से शुरू होती है लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार इंडिया की तरफ भी है इतनी, और इसके साथ साथ देखिए इधर चीन में भी फैली हुई है पूरी झील है। इसकी टोटल लंबाई है वो 134 किलोमीटर है। जी हाँ, 134 किलोमीटर लंबी ये जो झील है, इसका 2/3 भाग है वो किसकी तरफ है, चाइना की तरफ है, और 1 भाग है वो इंडिया की तरफ है। इस प्रकार देखिए जो बड़ी झील है, लेकिन अभी ऐसी खबरें आ रही हैं कि पेंगोंग झील के चाइना की साइड में धीरे धीरे चीन
अब अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, वहां पर बड़ा जमावड़ा लगा रखा है और सैनिकों को वहां पर तैनात कर रहा है और निर्माण कार्य भी लगातार कर रहा है। तो इस प्रकार से आप पेंगोंग झील की आकृति आप देख रहे हो किस प्रकार से चारों तरफ फैली हुई है। 134 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर लगभग इसकी चौड़ाई है वो चलती है। तो ये जो झील है ये भी भारत और चीन के बीच में वर्तमान में एक तनाव का बड़ा कारण बनती जा रही है। लीजिए अपन आगे बढ़ते हैं और इसकी अगली जो स्थिति है उसको देखते हैं। अगली देखिए, अगली स्थिति वर्तमान स्थिति आपको दिखाते हैं। देखिए आप साफ साफ देख पा रहे हो ये पेंगोंग झील आपको दिखाई दे रही है पूरी की पूरी इस चित्र के अंदर, और किस प्रकार चीन ने इस पेंगोंग झील के किनारे पर किस प्रकार से देखिए निर्माण कार्य कर लिए हैं। बड़े निर्माण कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं। चीनी टेंट है ग्रीन कलर में, सफेद ग्रीन, ये देखिए व्हाइट, इधर आप देख रहे हो बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों का जमावड़ा है। यहाँ पर बड़ा निर्माण कार्य कर लिया गया है। एक तरफ चीन शांति की बात करता है तो दूसरी तरफ ये जो विवादित क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर एक तरह से अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है। तो देखिए इस समय चीन से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये एक ऐसा देश है, ऐसा चालबाज देश है जिसके साथ जिसकी किसी बात पर विश्वास किया जाना है वो ठीक नहीं है। भारत के अनुकूल परिस्थितियां धीरे धीरे बनने वाली हैं क्योंकि अपन सब जानते हैं कि अमेरिका ने भी अपने युद्ध पोतों को तैनात कर दिया है चीन की तरफ, और इसी प्रकार जापान ने भी इस प्रकार की स्थिति है वो पैदा कर दी है। बहुत सारे देश हैं धीरे धीरे भारत के पक्ष में आ रहे हैं क्योंकि अपन सब जानते हैं चीन की इस प्रकार की जो घटिया हरकतें हैं करतूते हैं उनके खिलाफ पूरी दुनिया के राष्ट्र हैं वो परेशान हैं। पड़ोसी देश तो है ही हैं, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 14 देश सीमावर्ती होने वाले देश हैं लेकिन 23 देश ऐसे हैं जो चीन से परेशान हैं। तो इस प्रकार वर्तमान में जो ये मुद्दा बना हुआ है ये काफ़ी ज्वलंत है और इसमें भारत को बड़ी सूझबूझ के साथ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के साथ अपने पक्ष को मजबूत करना होगा। वैसे अपन सब जानते हैं कि चीन गिद्ध भपकियां बहुत ज़्यादा देता है, दिखावा प्रोपगेंडा ज़्यादा करता है और इसकी जो शक्ति है वास्तव में तभी पता चलेगी जब दोनों देश आमने सामने आएंगे। चूँकि कूटनीतिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भारत की काफ़ी ठीक है और चीन पर चारों तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में इसी बीच रूस ने भी रूस का बयान आया, रूस के विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि वो भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है, जिसका मतलब सीधा सीधा है कि रूस भी चीन के पक्ष में जाने वाला नहीं है। क्योंकि चीन और रूस के बीच में विचारधारा को लेकर एकता है, दोनों कम्युनिस्ट देश हैं लेकिन अपन सब जानते हैं कि विचारधारा हर जगह काम नहीं करती है क्योंकि रूस और चीन की मित्रता भी काफ़ी पुरानी है। चूँकि अमेरिका और भारत के बीच में नज़दीकी आने के कारण रूस है कुछ तटस्थ होता जा रहा है लेकिन भारत को इस समय सभी देशों के साथ में तालमेल बनाकर रखने होंगे जिससे हम इन संकट का मुकाबला बड़ी मजबूती के साथ में कर पाएंगे। इसी के साथ में आज के इस इश्यू को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।